असलम जी मेरा नाम क्या नसिफ़ है और स्पोर्ट्स ट्वेंटी सिक्स बैच के हवाले से कुछ सवाल आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आपको uh, थोड़ा सा उनके ऊपर गाइड कर दिया जाए सो uh, स्पेशली so, uh, जो इकनॉमिक लेटर जो है स्टेट बैंक का जिसके बारे में मैंने आपको कहा था तैयारी करनी है तो uh, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं तो चलिए जी लेट्स बिगिन द वीडियो और uh, uh, उस सवाल के बारे में बात करते हैं उसके अलावा एक वर्कशॉप मैं अरेंज uh, करने जा रहा हूँ उसके बारे में क्वेश्चन हो रहे हैं तो उस पर भी हमेशा इस वीडियो में बात करेंगे सो जनाब एक मुख्तसर सतारुफ जी सो so, मेरा नाम जनाब का नाम आसिफ है मैं एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर हूँ इसके अलावा पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सीनियर ऑडिटर के एग्जाम्स में अलमदिल्ला मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप कर रखा है मैं स्टेट बैंक के एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई कर चुका हूँ ना सिर्फ क्वालिफ़ाई किया बल्कि मेरी सिलेक्शन हुई है ओ के लिए भी ओ के लिए भी और दोनों दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ज्वाइन नहीं कर सका या मैंने ज्वाइन नहीं की रही जी इसके अलावा मैंने पाकिस्तान कस्टम्स में भी सर्व किया है मैं ट्रेनर भी हूँ मैं मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ स्पेशली पढ़ाई को किस तरह से, से बेहतर टॉपिक किया जा सकता है जो जी आर ई के एग्जाम्स होते हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए मैं उसके हवाले से स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ सीनियर ऑडिटर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैं मतलब मेरा जो, uh, है वो ये है कि मैं हर एग्जाम की तैयारी नहीं कर मैं पब्लिक uh, सर्विस के तमाम एग्जाम की तैयारी नहीं कर मेरा जो एक uh, मेरी जो स्पेशलाइजेशन uh, है वो समझ लीजिए कि जो वन पेपर टेस्ट होते हैं उनमें है और मैं स्पेशली सीनियर ऑडिटर के एग्जाम को

इनफैक्ट ये ये रही फाइल जिसको हमने देखना है तो ये अभी 16 फरवरी को ये लेटर इशू हुआ है आज से सिर्फ दो दिन पहले और ये लेटर मैंने आपके लिए डाउनलोड कर लिया है अब ये इतना एक न्यूमेरिकली एक इतना भरा हुआ लेटर है कि आप इसको पढ़ के सब कुछ नहीं कर सकते आप इसमें लिख, लिखी हुई हर चीज़ को याद नहीं कर सकते तो हाउ डू यू नो कि किन चीज़ों पे फोकस करना है किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है तो आई एम गोइंग टू गाइड यू के इस हवाले से क्या किया जा सकता है राइट right. अच्छा जी मैं आपको कुछ चीजें गाइड दिखा देता हूँ सबसे पहले देखें ये मार्केट रेट होता है सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट क्या है ठीक है इसको जहन में रखिएगा ये बेसिकली वो रेट है जिसपे स्टेट बैंक यू समझ लीजिए दूसरे बैंक को कर्जे दे रहा है ठीक है इट्स इट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल अच्छा तो एक तो ये पॉलिसी रेट ये बहुत अरसे से चेंज नहीं हुआ होगा और ये इतनी जल्दी चेंज भी नहीं होता तो अगर आपने आज देखा है ट्वेंटी टू परसेंट तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्यूरिंग योर ट्वेंटी टू परसेंट के आसपास ही रहेगा हो सकता है किसी एक हफ्ते किसी एक महीने एक अनाउंसमेंट हो जाए कि 22 से या ट्वेंटी फाइव कुछ इस तरह से हो गया तो ये पॉलिसी रेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये देखिए इफेक्टिव फ्रॉम जून ट्वेंटी सेकेंड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो जो, जैसे मैं कह रहा था ये छह सात महीने हो गए इसको बल्कि अब देखा जाए तो आठ महीने हो चुके हैं और ये वहीं का वहीं है तो ये एक तो पॉलिसी रेट आपको ना कोई ऐसे याद हो कि में भी कोई आपसे पूछे कि पॉलिसी रेट कितना है तो आपका ट्वेंटी टू परसेंट है बट इसको इसके बारे में अलर्ट रहे बिकॉज ये कभी कभार चेंज भी हो जाता है ठीक है जैसे अभी आठ महीने पहले चेंज हुआ था एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जिसको आपको जहन में रखना है दूसरा आपको सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स को याद रखने की जरूरत नहीं है कि जनाब अभी जो है वो मिसाल के तौर पर थर्टी टू पॉइंट टू फाइव परसेंट पे चल रहा है इतना कुछ हम याद करने की अहलियत नहीं रखते ठीक है लेकिन आ, एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स एक्चुअली क्या बला है ठीक है सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज नो ओके जी इसके अलावा ये फॉरेक्स रिजर्व्स एंड एक्सचेंज रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास इस वक्त स्टेट बैंक के पास कितने रिजर्व्स हैं और जो बैंक हमारे उनके पास कितने हैं मजमुई तौर पर ये कितने बनते हैं ठीक है और ये कमोबेश हर हफ्ते तकरीबन चेंज होते रहेंगे लेकिन ओवरऑल आपको अंदाजा होना चाहिए तो देखिए ये लगभग कोई अगर हम इस हफ्ते की बात करें 9 फरवरी की तो ये पांच हजार और आठ हजार कोई लगभग तेरह हजार डॉलर uh, जो वो, है वो पाकिस्तान के फॉरन एक्सचेंज रिजर्व वेरी लो विच आर वेरी लो ठीक है uh, अब आप देख लें कि आज से छह महीने पहले तक uh, या दो साल पहले तक ये रिजर्व कोई तेईस चौबीस हजार डॉलर्स uh, को टच कर रहे थे तो कहाँ तेईस से चौबीस हजार और कहाँ पर ये हालत तो, और बीच में तो ये देखें uh, ये यहाँ पे भी आए थे राइट जो आप हालत देख रहे हैं ठीक है तो दिस इज समथिंग जिसको आपको जिसको बारे में आपको पता होना चाहिए ये हर हफ्ते चेंज होगा और आपने हर हफ्ते जब तक आपके एग्जाम नहीं होते आपने इसको देखते रहना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो हालत है वो एग्जैक्ट आपको याद तो नहीं होगी लेकिन आप एक राउंड ऑफ जहन में ये रख लें फिगर कि यार तकरीबन कोई तिरसठ हज़ार डॉलर के आसपास चल रहा है ताकि कल कोई आपसे पूछे भी तो आप एक रफ कैश दे सकें ठीक है गोल्ड रेट्स के बारे में इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है एसेट्स कंपोजिशन और टोटल बैंक नोट्स इशूड अगर आप बैंक में जॉब करते हैं ठीक है इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन जॉब तो इस किस्म की चीजें फिर आपके लिए जानना जरूरी है लेकिन अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दीजिएगा अब आ जाते हैं जनाब यहां पर क्वांटम इंडेक्स नंबर ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपने शायद कभी ये लव्स या ये टर्म भी नहीं सुनी होगी अब इसके फिगर याद करने की भी जरूरत नहीं है लेकिन जनरली क्वांटम इंडेक्स नंबर्स ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है के, इसको मतलब अच्छा जो टर्म आपको नहीं पता आप आपका काम ये भी है एग्जाम के लिए तैयारी करते हुए कि आप उस टर्म को ना गूगल करके आप ये देख लें कि यार इसका मतलब क्या होता है तो बेसिकली ये जो टर्म है इसका मतलब ये है कि यार पिछले साल की नस्बत पिछले पीरियड की नस्बत पिछले महीने की नस्बत इस साल हमारी लास्ट के मैन्युफेक्चरिंग की ग्रोथ में क्या फर्क आया है ठीक है तो पहले यह नंबर एक था एक सौ पंद्रह या सैतालीस था अब एक सौ या दो है तो इसका मतलब अः पिछले साल इसी वक्त जितना हम प्रोड्यूस कर रहे थे इस साल उससे हम कम कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ नेगेटिव है क्वांटम इंडेक्स नंबर ऑफ लार्ज के मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली आपको ग्रोथ में ग्रोथ रेट बताता है उसका चेंज बताता है चेंज इन ग्रोथ कह सकते हैं आप ठीक है कि ग्रोथ स्टैटिक है या ग्रोथ में तब्दीली आ रही है तो ग्रोथ बेसिकली डिक्लाइन कर रही है ग्रोथ हो रही होगी मगर थोड़े स्लोअर रेट पे हो रही होगी अगर आप इसको यूज़ समझ लें ठीक है अच्छा जी इसी तरह से सीपीआई है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ठीक है ये आपको पता ना चाहिए तो ये जनाब नंबर जो है ना ये ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन थर्टी टू ये आपको ज़हमे में रखने बिकॉज कंज्यूमर प्राइव जो uh, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बेसिकली uh, ये एंड इम्पॉर्टेंट नंबर राइट सर्कुलेशन मेरी नजर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ये एक चीज है जो आपके जहन में होनी चाहिए देन लेट्स मूव फॉरवर्ड अब हम कहते हैं जी के ये ये न्यूज आएंगी आपके पास तो ये तो डाटा के बारे में मैंने आपको बता दी कि डाटा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो दिस इज समथिंग जो आपके जहन में होनी चाहिए बाकी आपका डॉलर का रेट अगर पता हो या आप याद रख सकें तो अच्छी बात है राइट टू सेवेंटी नाइन तो आपको तो इसमें नंबर या फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं बट आपको पता हो किल स्टेट क्या चल रहा है ठीक है वैसे इस खबर को आप जरूर पढ़ लें क्योंकि आपसे कुछ और सवाल हो सकता है मसलन ये हो सकता है कि पाकिस्तान के फॉरन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज्यादा कहां से आते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं कि वर्कर्स रेमिटेंस रिकॉर्डेड एंड ऑफ टू पॉइंट फोर बिलियन वगैरह 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 मतलब मैं, तो मैं इस चीज में नहीं चाहूंगा लेकिन मैं आगे अगर पढ़ूँ रेमिटेंस इनफ्लोज ड्यूरिंग जनवरी वर मेनली सोर्स फ्राम सऊदी अरेबिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राइट तो ये आपको बस ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है वो कहां ज्यादा काम कर रही है अब फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फाइनेंशियल रिजर्व जो आ रहे हैं वो वर्कर्स से आ रही है वो सऊदी अरब से आ रही है फिर यू से आ रही है फिर यूके से आ रही है फिर यूएसए से आ रही है तो ये आपको जहन में रखना है इस तरह अब आप इस खबर को देखेंगे मिजान बैंक साइंस एम ओ यू विद पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क वगैरह वगैरह तो बस आपको पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क पी है क्या इसके बारे में पता होना चाहिए इसको गूगल कर लेंगे आप आपको अंदाजा हो जाएगा ठीक है ना Uh, इसके अलावा अब ये कुंडा नाम की कोई कोई यूनियन है माइक्रो फाइनेंस कंपनी है कोई को जो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ है इंपॉर्मेंट ऑफ ऑन्टरप्रीनियस के लिए काम कर रही है बस इसको गूगल करके देख लें कि क्या है तो पता लग गया कुंडा कोई बी फिनटेक बी सोल्यूशन है फाइन राइट तो दैट्स इट एमसीबी के ये प्रॉफिट हैं अगर आप बैंकिंग में हैं और आप अगर आप स्पेसिफिकली एमसीबी में काम करते हैं ना तो फिर आपको ये फिक्स येक्स फिगर्स ये कुछ देखने चाहिए ठीक है अब यहाँ पे मिसाल के तौर तो पर ये पी एन एल पी एन एल स्टेटमेंट आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ रही है अब जिन्होंने बिजनेस पढ़ है उनको तो पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता उनको फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको गूगल करके देखना होगा कि वट इज इट मीन राइट आ, इसी तरह से फैसा बैंक ने बड़ी अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है मुझे इसकी डिटेल अगर मैं बैंकिंग से नहीं हूँ तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है लेकिन अगर आप वैसे इसको देख लें कि शायद कोई और इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो काम आ जाए ठीक है ना जैसे मिसाल के तौर तो पर यूसुफ हुसैन प्रेसिडेंट सी ओ फैसल बैंक तो हो सकता है स्टेट बैंक के गवर्नर का कहीं नाम लिखा हो किसी मुल्क के सरबराह का नाम लिखा हो जो पाकिस्तान विजिट कर रहा हो तो इस किस्म की चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं आ सकती हैं पीबीएस टू कंडक्ट सेवन एग्रीकल्चर सेंसस टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अब क्या है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है तो चलें इन माइंड ये क्यों हो रहा है जी एफ सेंसिस ये यूनाइटेड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके कहने पे हो रहा है चले ठीक है और इसके अलावा जहाँ पे आपको ये येडिंग ये जो ब्रैकेट्स नजर आती है ना ये जरा गौरतलब होती हैं कि क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई इस तरह की चीजें हो अब मैंने एक हल्का फुल्का देखा है तो मुझे कुछ ऐसा खास नजर नहीं आ रहा अब एस सी सी पी का वर्ड आ रहा है एस सी सी पी स्टैंड सिक्योरिटीज एंड जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए ठीक है अब आपने एस सी सी पी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा अब आपने यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है वैसे ही लेकिन फिर भी हो सकता है आपसे कभी सवाल हो ठीक है कि और ये जनरल नॉलेज में भी आ सकता है कि यार दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोग जो है वो एक एक कंसेंट्रेशन वगैरह कहें एक मुल्क के अंदर तो कहाँ मौजूद है तो जनाब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आ, नौ हजार यहाँ पे जो लिखा हुआ ये कि नौ हजार जर्मनी में ऐसे लोग हैं जिनकी जो नेटवर्थ है वो फिफ्टी मिलियन से ज्यादा है से, ठीक है ठीक और ये दुनिया की तीसरी बड़ी है तो पहली बड़ी कौन सी है यूएस है और दूसरी चाइना तो सबसे ज्यादा अगर हम आपसे कहें कि फिफ्टी मिलियन डॉलर या उससे ज्यादा होल्ड करने वाले लोग कहा किस जगह पे किस मुल्क में होते हैं तो वो जनाब यूएसए और चाइना है सिमिलरली अगर आप इसको मजीद पढ़ो तो आपको थोड़ा सा और अंदाजा हो जाएगा ठीक है जापान में रिसेशन आ गया है जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन गई है ठीक है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है जनरली uh, ठीक है? Uh, है किसी मिनिस्टर का नाम हो uh, तो वो मिनिस्टर का नाम स्पेशली अगर पाकिस्तान के हैं तो वो और अगर जापान या किसी और मुल्क के हैं तो उनके चीफ मिनिस्टर सॉरी प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स के जो नाम होते हैं वो अब यूके इकॉनमी फॉल्स इंट्रूस रिसेशन आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई है अब ये याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यूके की इकॉनमी बुरा हाल हो रहा है और उनकी इकॉनमी जीरो से कॉन्ट्रैक्ट हुई है विच इज वेरी बैड राइट अच्छा जी आपने इसको पढ़ा इसको इस पूरी खबर को पढ़िएगा क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई और चीज यहाँ पर मिले कोई उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम मिले ठीक है कोई इस कदम की चीज हो तो दिस इज इट राइट यू ई साइंस एग्रीमेंट ऑन डबल डबल टैक्सेशन बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है ठीक है तो उसमें ये होता है कि कॉपोरेट टैक्स भी लगता है डिविडेंड्स के ऊपर और फिर जब आप सॉरी कंपनी अर्निंग्स डिविडेंड देते हो प्रॉफिट देते हो शेयर होल्डर्स को इंडिविजुअल तो वो भी टैक्स लगता है तो उसके हवाले से ये एक चीज आ, आ रही है आ, इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो वो थोड़े से देख लीजिएगा जनाब ये दिस इज इट राइट अब एचआर टिप्स हैं आई डोंट थिंक इसकी आपको जरूरत है टॉकिंग टू योर टीम एंड ऑल ओवरवेलमिंग थिंकिंग एंड एंड ऑल दिस राइट तो ये जनाब आपका इकोनॉमिक लेटर है ये आपका हो गया अब आपको इसके बाद मजीद आ, कुछ करने की कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक लेटर में से लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उसको भी इसी तरह से स्किम करना है और उसका जो ओवरव्यू और हाइलाइट्स ये दो पेजेस हैं दो चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स को ना ज़रूर गौर से देखिएगा ठीक है और उसमें जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उनको जहमे रखिएगा बाकी इंशाल्लाह फिर हम वर्कशॉप जब होगी इंशाल्लाह तो उसमें फिर हम फर्दर बात करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को कैसे एक्सप्लोर करना है बिकॉज दैट्स लाइक अ 150 160 पेज डॉक्यूमेंट तो उसमें सब कुछ फिर ऑब्वियसली किया भी नहीं जा सकता राइट जी इकोनॉमिक uh, लेटर कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है सवाल जो हैं वो के बारे में हो रहे तो तो इसमें हम बेसिकली दिन मुसलसल, तीन तो एक दिन सेगमेंट्स सिर्फ सिर्फ को को देखेंगे इंग्लिश डेडिकेट होगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है ए टू जेड राइट right? टेक्निक्स क्या है बिकॉज अगेन मकसद ये है कि यार कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा कैसे सीखा जा सके और कैसे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो कैसे पढ़ाई को फन बनाया जाए कैसे मोटिवेशन कायम रखी जाए कैसे uh, मेक श्योर sure किया जाए कि हमारे वक्त का सही इस्तेमाल हो रहा है और हम सही चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं सही चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं राइट तो एक तो ये होगा दूसरा ये कि जीके पे हम फोकस करेंगे उसमें मैं बेसिकली जीके अगेन आपको पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन हम कुछ सैम्पल टॉपिक जरूर ले लेंगे अब वो जीके को कैसे पढ़ा जा सकता है जीके को आ, आ, पे किन चीज़ों पे फोकस करना है किन चीज़ों को अवॉइड करना है हाउ डू वी एक्चुअली बिगेन हाउ डू वी नो कि हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है किन चीजों को छोड़ देना है तो हम उसपे भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे एन जी की बात इंक्लूड्स इंक्लूड ऑफ पाकिस्तान एंड करंट अफेयर जिसका एक पार्ट मैंने आपको बताया ये इकोनॉमिक बुलेटिन uh, है स्टेट बैंक का तीसरा अगेन एनालिटिकल रीजनिंग एनाल्टिकल रीजनिंग आई थिंक इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और ये एक ऐसी चीज है जिसकी हमारी तालीमी निज़ाम में कभी भी हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई कभी पढ़ाया ही नहीं गया एदर सडनली यू गो टू एंट्री एग्जाम्स और एनी अदर प्लेस और आपके साथ जनाब ये होता है कि एनालिटिकल रीजनिंग आ रही है और किस्म की चीजें आ रही हैं तो हाउ डू यू डीलिकल रीजनिंग क्वेश्चन हाउ डू यू मेक श्योर की आप सही स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहे हैं और आप uh,

के बाद हम कुछ मॉक एग्जाम्स लेंगे तो देर वुड बी मॉक एग्जाम अ डे बिफोर द वर्कशॉप सो दैट व्हेन यू कम आप उस टेस्ट को देखें आप उस चीजों को पढ़ें और फिर वर्कशॉप के कुछ दिनों के बाद दोबारा एक मॉक एग्जाम सो दैट यू कैन सी कि आपने कितनी इम्प्रूवमेंट की है सो दिस इज इट एनी अदर क्वेश्चन फी फ्री टू लेट मी नो बाकी जनाब एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि येस वी आर कंडेड इन कंड इट ऑन ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ एंड ट्वेंटी फिफ्थ ऐप फ्राइडे सैटरडे संडे रात के वक्त कोई आठ नौ के आसपास इसके अलावा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये कि मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का वो बेसिकली चेंज चुका है इनफैक्ट अब आई एम नो मोर ऑन व्हाट्सएप तो अब आप मुझसे फेसबुक पर रबा कर सकते हैं दिस इज माई फेसबुक पेज और यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे uh, क्या नाम सबके नाम सर्च करेंगे और यहाँ पे भी, भी अगर आपको डिटेल्स uh, लेनी है वर्कशॉप की तो आपकी डिटेल्स अवील कर सकते हैं थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिएगा एंड इनशा सी यू गा एसून